हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। दोस्तों ये देखिए, हमारा एलोवेरा का पौधा है जो हमने पॉट में लगा रखा था। इसके दो वीडियो हम पहले आपको दे चुके हैं कि इसकी पत्तियां मोटी कैसे करें और इसकी केयर कैसे की जाती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसका वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों पहले के दोनों वीडियो आपको वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दो छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। और आज का विषय जो है, आज हम बात करने वाले हैं कि एलोवेरा की जो पत्तियाँ होती हैं उनको यूज़ करने से पहले क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए या कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एलोवेरा के पौधे को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे ग्वारपाठा, घृतकुमारी आदि नामों से यहाँ पर जानते हैं लोग इसको। और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि इसके क्या क्या यूज होते हैं तो आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। तो इसको घर में लगाने से जो जहाँ पर आप रखेंगे वहाँ इसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। अगर आप इसको टेबल पे छोटे पौधे को रखेंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये पौधा ऐसा है कि इसको आप धूप में रखें या ना रखें, इसको धूप मिले या ना मिले, फिर भी अच्छे से ग्रो होता रहता है। ये देखिए, हमने जो लगाया था, धीरे धीरे इसको हमने शिफ्ट किया है। पहले छोटे पॉट में लगा था, उसके बाद हमने दूसरे पॉट में शिफ्ट किया, और अब जो है ये फाइनली 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और इसकी आप पत्तियाँ देख सकते हैं कितनी मोटी और कितनी लंबी लंबी पत्तियाँ हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा अगर आपके घर में लगा हुआ है या पॉट में लगा है, तो आप जब भी उसकी पत्तियों को काटना चाहें तो उससे पहले आप पत्तियों को अच्छे से धुल दीजिए। इससे क्या होगा कि कभी कभी आप धुलते रहेंगे तो उसकी पत्तियों पर जो धूल होती है वो नहीं जम पाती है, और पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो अच्छा होता है, और पत्तियाँ जो है धीरे धीरे मोटी होने लगती हैं। ये देखिए, काटने के लिए इसको हमने धुल लिया है अच्छे से पूरे पौधे को। जब पॉट में पानी देना होता तो नहला देते, ऊपर से नहला देते हैं। और इसकी पत्तियों को काटने के लिए देखिए, नीचे से सबसे पत्ती काटना चाहिए, और चाकू जो है अपनी साफ़ होनी चाहिए काटने के लिए, और थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते हुए काटना है। ये देखिए, हमने काट लिया है। अब इसको खड़ा, एकदम जो खड़ा खड़ा रखना है पत्ती को, कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको रखना है, क्योंकि यहाँ से जो टॉक्सिक एक केमिकल होता है इसमें निकलता है, वो निकलने लगता है। उसको जब भी आप इसको खाना हो या जूस बनाना हो, कुछ भी करना हो इसको यूज़ करने के लिए, तो आप ये प्रक्रिया ज़रूर करें। ये देखिए, इस तरीके से खड़ी कर देनी है पत्तियाँ आपको। लगभग 1 से 1.5 घंटा खड़ी रखेंगे तो इसमें से जो पीला पीला एक पदार्थ निकलता है वो निकल जाना चाहिए, वही टॉक्सिक होता है, उसको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, हमने 3 पत्तियाँ काट ली हैं, और अभी हम और पत्तियाँ काट लेते हैं। एक ये हो गई, एक और काट लेते हैं। तो इन पत्तियों को काट कर हम ऐसे ही रख देंगे। नीचे हमने कागज़ इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसमें से जो टॉक्सिक पदार्थ निकलता है वो कैसे निकलता है, किस कलर का होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमने पत्तियां तो काट ली हैं, अब आपको दिखाते हैं। अभी देखिए, थोड़ी ही देर में इसमें निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, हमको अभी काटे हुए 5 से 7 मिनट ही हुए हैं, और यहाँ से देखिए ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से पीला पीला पानी जैसा निकलने लगा है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सफ़ेद कागज़ रखा हुआ है इसलिए यहाँ पर दिखने लगा है, ये देखिए निकल रहा है। तो इसको आप अगर काट के तुरंत ऐसे पट रख देंगे, नीचे रख देंगे, तो फिर यहाँ से ये नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा निकलेगा। लेकिन अगर आप ऊपर को खड़ी पत्ती रख देंगे तो उसकी जो सिराएं होती, जो कोशिकाएं होती हैं, वहाँ से पूरा निकल आता है। तो आपके लिए खाने के लिए बहुत ही शुद्ध हो जाता है ये, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको 1 से 1.5 घंटा ही रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है, उसके बाद निकलना बंद हो जाता है। तब आप नीचे का जो सिरा होता है थोड़ा सा, वो आपको काट देना है। काटने के बाद इनको धुल के अच्छे से और अखबार में लपेट कर आप काफ़ी दिनों के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है, तो आपके पास बहुत दिन तक ये पत्तियाँ रुकेंगी, ख़राब नहीं होंगी बिल्कुल भी। और इसको चाहें तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर आप इसको अखबार में, सिंपल आपको अखबार में लपेट के रख देना है। बहुत दिनों तक, महीनों ये चलती हैं, ख़राब नहीं होती पत्तियाँ, और इसका जो पानी होता है वो भी नहीं उड़ता है अखबार में लपेटने से। तो दोस्तों, आपको यहाँ से देखिए, थोड़ा सा हिस्सा 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आपको यहाँ से इतना काट देना है, और उसके बाद अच्छे से पत्तियों को धुल लेना है पानी की सहायता से। और ऊपर का सिरा चाहें आप तो ये काट सकते हैं यहाँ से, और इसको फिर अखबार में लपेट के आप रख दीजिए। और आपको यूज़ करना है तो चाहे आप इसको जेल बनाना हो या फिर इसको खाना हो, और चाहे फेस पे अप्लाई करना हो, कहीं भी अप्लाई करिए, लेकिन आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है। इससे जो है इसका टॉक्सिक जो केमिकल होता है वो निकल जाता है, और ये बहुत ही हेल्दी बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए कि इसकी पत्तियों को मोटा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।